Welcome back class. Today we are going to continue with the chapter number 4, that is the Democratic Republic of the Congo. And in our last videos we have completed our topics introduction, location and land and climate of DRC. So our today's topic is vegetation. This is on page number 29. So let's get started. Most of the Democratic Republic of the Congo is covered with rainforest. ज़्यादातर जो Democratic Republic of Congo जो है DRC जो है वो rainforest वर्षावन जो होते हैं उनसे covered है. Clear? The trees in these forests grow very tall and form a canopy which prevent sunlight from reaching the ground. क्या है जो trees है ना यहाँ पर वो बहुत ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे हो जाते हैं और फॉर्म अ नॉपी एक नॉपी एक छत जैसा एक कवर सा बना देते हैं विच प्रिवेंट सनलाइट जो सनलाइट को प्रिवेंट मीन्स रोकता है फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड धरती पर पहुंचने से रोकता है. देर इज़ अ डेंस ग्रोथ ऑफ क्रीपर्स एंड श्रब्स. क्रीपर्स होते हैं जो रेंगने वाले नहीं होते वलरी पौधे होते हैं जो बेल वाले होते हैं. श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डेंस हैं. डेंस मीन्स होती है घनी बहुत ज़्यादा घनी ग्रोथ है क्रीपर्स की और श्रब्स की. अ स्पेशल फीचर ऑफ द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट इज दैट दे आर एवरग्रीन. जो सबसे स्पेशल महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना यहाँ के पेड़ों की वो ये है कि जो ये फॉरेस्ट है ना जो ये हमारे जंगल हैं ये हमेशा एवरग्रीन हमेशा सदाबहार ही रहते हैं. इन सम पार्ट्स वेयर द क्लाइमेट इज़ नॉट सो हॉट एंड वेट. कुछ पार्ट्स में जहाँ पर जो जलवायु है वो ना तो ज़्यादा गर्म होती है और ना ही गीली होती है द वेगिटेशन इज डिफरेंट. वहाँ की जो वनस्पति होती है वो अलग होती है. हेयर ग्रास लैंड्स विद शो ट्रीज आर फाउंड. यहाँ पर क्या पाया जाता है ग्रास लैंड्स पाई जाती हैं यानी घास वगैरह पाई जाती है छोटे छोटे ट्रीज के साथ. दीज ग्रास लैंड्स आर कोल्ड सवाना. इन ग्रास लैंड्स को हम सवाना भी कहते हैं. आगे पढ़ते हैं हम वाइल्ड लाइफ के बारे में जो जंगल का जीवन है जो जंगली जंतुओं का जीवन है वो कैसा है. अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ कोंगो. कोंगो के फॉरेस्ट में जंगलों में एक बहुत ज़्यादा वेराइटी पाई जाती है जंगली जानवरों की. एलिफेंट्स गोरिल्लास चिंपांजीज मंकीज बबून्स हिप्पोपोटामस राइनोसेरस स्नेक्स पाइथन क्रोकोडाइल एंड वाइल्ड बफेलोज आर सम ऑफ देम फाउंड इन द फॉरेस्ट. मैंने जितने भी अभी नेम्स लिए एलिफेंट गोरिल्लास चिंपांजी मतलब ये सारे जो हैं ये सब इन फॉरेस्ट में इन जंगलों में पाए जाते हैं. लायंस लेपर्ड्स जिराफ्स जेब्रास वोल्व्स एज वेल एज एलिफेंट्स एंड चिंपांजीज रोम्स राउंड द सवाना. जो लायंस हैं लेपर्ड्स हैं जिराफ है जेब्रा है वोल्व्स भेड़िए जो हैं ठीक है हाथी और चिंपांजीज जो हैं वो सवाना में इधर उधर घूमते रहते हैं सवाना के जंगलों में. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट. बहुत टाइप की बर्ड्स भी हैं पक्षी भी हैं और इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े भी हैं इन जंगलों में. कोंगो है सच एज ए वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. कोंगो में बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी है इसकी वाइल्ड लाइफ की जंगली जानवरों की दैट इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड. तो इसको हम नेचुरल जू जू होता है चिड़ियाघर भी हम इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं. बट हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स हैज़ रिड्यूस द एनिमल लाइज ऑफ कोंगो. लेकिन जो शिकार है ना उसने अब कम कर दी है वाइल्ड लाइफ भी जंगली जानवर भी और बर्ड्स भी हैं. क्लियर? यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं खेती के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर खेती कैसे होती है. फार्मिंग इज़ डन इन लार्ज एरिया फ्रॉम वेयर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड. फार्मिंग वहाँ होती है कृषि वहाँ होती है उस एरिया में जहाँ पर फॉरेस्ट जो है जो जंगल है साफ कर दिए गए हों. द मेजर फूड क्रॉप्स आर कसावा मेज राइस कॉफ़ी कोकोआ रबर एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन इन मोस्ट ऑफ दीज आर एक्सपोर्टेड. जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं जो मेजर अनाज है ना वो यहाँ के वो हैं कसावा मेज है बाजरा राइस चावल कॉफ़ी है ठीक है. कॉफ़ी कोकोआ रबर और कॉटन जो है जो यहाँ पर उगाई जाती हैं उसको ये बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है उसका निर्यात भी किया जाता है. अब
सब चीज़ें पढ़ चुके हम, एग्रीकल्चर भी पढ़ चुके हैं और वाइल्ड लाइफ भी देख चुके हैं वहाँ की, तो अब जलवायु भी देख चुके हैं, तो पीपल के बारे में पढ़ते हैं, लोग कैसे हैं वहाँ पर। द बंटू स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ कॉन्गोस पॉपुलेशन। बंटू स्पीकिंग होते हैं, बंटू एक लैंग्वेज का भी नेम बोल सकते हो, बंटू एक ट्राइब है, जनजाति होती है ना, तो कॉन्गो में ये जो जनजाति है बंटू जनजाति, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो लार्ज मेजोरिटी ऑफ कॉन्गोज पॉपुलेशन, कॉन्गो की जो जनसंख्या है ना उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज बड़े स्केल पर जो वहाँ पर बंटू ट्राइब ही मिलती है। अबाउट 70% पीपल लिव इन विलेजेस, 70% जो वहाँ पर लोग हैं वो विलेजेस यानी गांव में रहते हैं। अबाउट 30% पीपल लिव इन सिटी, 30% के लगभग जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। द कंट्रीज पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ईस्टर्न हाईलैंड अलोंग रिवर्स। कंट्री की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती हैं, जो पूर्वी जो हाईलैंड है ना, ऊपरी किनारे जो होते हैं, ऊपरी जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, जो रिवर्स के पास रहना उनको ज़्यादा पसंद होता है। द पिगमीज आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट, जो सबसे पहले वहाँ पर लोग रहते थे कोंगो में वो क्या कहलाते थे, पिगमीज कहलाते थे, उनको पिगमीज नाम से जाना जाता था। मोस्ट ऑफ देम लिव इन द फॉरेस्ट, दे आर वेरी गुड हंटर। उनमें से जो पिग्मीज थे उनमें से ज़्यादातर जो थे वो फॉरेस्ट में रहते थे और हंटर्स थे। मोर देन 200 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द कंट्री, 200 से भी ज़्यादा लैंग्वेज जो हैं वो इस कंट्री में बोली जाती हैं। फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की वो फ्रेंच है। देयर आर 4 अफ्रीकन लैंग्वेज स्पोकन वाइडली, 4 जो अफ्रीकन लैंग्वेज है यहाँ पर बड़े स्केल पर बोली जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदी व इंग्लिश चलती है ना बड़े स्केल पर, सेम एज़ वहाँ पर 4 अफ्रीकन जो लैंग्वेज है, जैसे जिनका नाम है स्वाहिली, टिकोंग, शिलुबा एंड लिंगाला, ठीक है, ये 4 जो लैंग्वेजेस है वहाँ पर मेनली बोली जाती हैं। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसे है, यातायात का क्या सिस्टम है वो देखते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो पानी में चलने वाला यातायात के साधन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द कोंगो ज़ैरे रिवर इज़ द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोंगो जो रिवर है ना चीफ मीन्स, चीफ साधन है, मुख्य साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, कि वहाँ से ही शिप वगैरह सबसे ट्रांसपोर्ट चलता है। मटाडी इज़ द चीफ सी पोर्ट एंड किनशासा इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक क्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। मटाडी जो है वो चीफ सी पोर्ट है, बंदरगाह है मटाडी, और जो किनशासा है वो DRC की कैपिटल है, राजधानी है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट, जो किनशासा है वो कैपिटल भी है और रिवर पोर्ट जो नदी जो बंदरगाह होता है ना वो वैसा ही सेम है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ डेवलपिंग फास्ट, जो DRC है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से उन्नति कर रहा है। तो बेटे आपका जो लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। अभी हमने इक्वेटर के आसपास की लैंड का पढ़ा है बहुत ज़्यादा गर्मी वाली, तो अब हम आइस और स्नो वाली लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।